हमीरपुर पुलिस लाइन दोसड़का स्थित केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार कैंटीन के माध्यम से लोगों को सुविधा देने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के चलते कैंटीन में सामान लेने के लिए पैरामिलिट्री रिटायर्ड पुलिस कर्मचारियों के कार्ड बनाने का काम भी किया जा रहा है, जिसमें काफी संख्या में नए कार्ड बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को अपने घर द्वार के पास सामान मिल सके। जानकारी के अनुसार केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार दोसड़का में वर्तमान में 1000 सदस्य हैं और 700 कार्ड अब तक तैयार हो चुके हैं। साथ ही रोजाना ही नए कार्ड के लिए सदस्यों के भी कार्ड बनाए जा रहे हैं। केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार दोसड़का के इंचार्ज राजेंद्र सोनी ने बताया कि कैंटीन में सामान लेने के लिए पैरामिलिट्री रिटायर्ड पुलिस कर्मचारियों के कार्ड बनाने का काम भी किया जा रहा है, जिसमें काफी संख्या में नए कार्ड बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार दोसड़का में वर्तमान में 1000 सदस्य हैं और 700 कार्ड अब तक तैयार हो चुके हैं। साथ ही रोजाना नए कार्ड के लिए सदस्यों के कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। इसका प्रोसेस ये है, जो हमारे पैरामिलिट्री है, जो हमारे पुलिस ऑफिसर जितने भी रिटायरी हैं या इन सर्विस हैं, उनको ये मेंबरशिप लेना अनिवार्य है। तो इसकी मेंबरशिप फीस का प्रोसेस, जो रिटायरी हैं उनकी पीपी कॉपी लगती है, आधार कार्ड की कॉपी लगती है, 3 फोटो लगते हैं और 1000 रुपये मेम्बरशिप है। फिर इसको हम कलेक्ट करके सारा डाटा शिमला भेजते हैं, वहाँ से अगला जो प्रोसेस है वो चंडीगढ़ से ये बन के आते हैं। फिर उनको इशू करने का तरीका है कि जैसे हमारे पास कलेक्ट के लिए आ जाएंगे तो सारी गैदरिंग ना हो, उसके लिए हम 20 या 25 का लॉट बनाते हैं डे बाय डे। तो उनको फिर इशू करने के लिए हम बुलाते हैं कि जैसे अगर हम 25 सेलेक्ट किए हैं तो भाई साहब जो एक लिस्ट तैयार करेंगे, हम 25 की लिस्ट तैयार करेंगे और उनको कल के लिए, जैसे कल डेट है तो कल के लिए उनको बुलाएंगे। ये इसके प्रोसेस है। अभी तक हमारे पास मेम्बरशिप 1000 प्लस 30-35 के करीब है और तकरीबन 700 तक हम ये जो कार्ड है वो तैयार करा चुके हैं और सेकंड लॉट जो है वो जा चुका है वहाँ शिमला में बढ़ने के लिए। कुछ प्रोसेस में चला जाता है डे बाई डे, मतलब जितने हमारे पास मेम्बरशिप आएगी उसको कलेक्ट करके आगे फर्दर भेज सकते हैं। कैंटीन में सामान लेने पहुंची महिला ने बताया कि कैंटीन में बहुत बढ़िया सामान मिलता है और क्वालिटी का सामान हर समय उपलब्ध होता है। उन्होंने बताया कि कैंटीन में पहुंचने पर लोगों को सुविधा का ध्यान रखा जाता है और कैंटीन में कोविड के दौरान भी पूरी एहतियात से सामान का वितरण किया गया है। आज अभी थोड़ी देर पहले ही गए थे ये वैक्सीनेशन करवाने, तो उसके बाद तुरंत आए और तभी आके इन्होंने कैंटीन खोल दी लोगों के लिए। तो लोग इसमें किसी भी प्रकार से लोगों को परेशानी ना होगी, वैक्सीनेशन करवाने गए हैं ये लोग, काफी देर कोई वेट ना करना पड़ा जा रहा है। तुरंत आए, तुरंत इन्होंने कैंटीन खोली और अपना काम करना तुरंत इन्होंने शुरू कर दिया। कोई रेस्ट नहीं, ऐसा कुछ नहीं, और लोगों को पूरी सेवाएं जो है वो सही तरीके से दे रही है।